हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी पिटारा चैनल में मैं रंजू जी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम हरी मिर्च की कलौंजी बनाएंगे, या आप इसे झटपट बन जाने वाली हरी मिर्च की अचार भी कह सकते हैं। अगर खाने के साथ हरी मिर्च की कलौंजी मिल जाए तो खाने का स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हरी मिर्च के अचार बनाने के लिए मैंने लिया है साबुत धनिया, मेथी दाने, जीरा, अजवाइन, सरसों के दाने और थोड़ी सी मैंग्रेल ली है मैंने। मैं मसालों की क्वांटिटी आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मसाले मैंने थोड़े से ज़्यादा बनाए हैं, क्योंकि इस तरह के मसाले बाद में फिर किसी और सब्ज़ी के लिए काम में आ जाते हैं। तो मैंने लगभग 150 ग्राम हरी मिर्ची ली है। मिर्ची की डंठल तोड़ करके चाहे तो बीच से चीरा लगा लें और चाहे तो दो टुकड़ों में कटिंग कर लें। तो मैंने सारी मिर्ची को दो टुकड़ों में कटिंग कर लिया है। तो चलिए पहले मसाला बनाकर रेडी कर लेते हैं। मसालों में सरसों के दाने को छोड़कर बाकी सारे मसालों को मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 मिनट तक भून लें, जब तक मसालों से एक अच्छी खुशबू आने लगे। या तो मसालों का हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए तब भी मसाले भून जाते हैं। आप किसी भी तरह से मसालों के भूनने की पहचान कर सकते हैं। बारिश के सीज़न में हरी मिर्च की कलौंजी बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। हरी मिर्च के इस कलौंजी को आप अगर चाहें तो दाल चावल के साथ खा सकते हैं, या आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप पूरी, पराठे या चपाती के साथ खा सकते हैं। बिना दाल या सब्जी के साथ भी हरी मिर्च का अचार बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मसाले को भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं। अब मसालों को ठंडा करके मिक्सर जार में पीस कर रेडी करेंगे। मसालों के साथ सरसों के दाने भी पीस लें। तो इसी पैन में अभी हम 4 से 5 चम्मच तेल डालेंगे और हरी मिर्च की कलौंजी को बनाने के लिए सरसों के तेल का ही प्रयोग करें, क्योंकि इस तेल में यह कलौंजी बहुत ही अच्छी बनती है। तो तेल लगभग गर्म हो गया है, मैं इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल दूँगी और 1/4 चम्मच हींग। तो हींग हरी मिर्च में ज़रूर डालें, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। और इसके साथ ही इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक करके पकने देंगे। और हाँ, एक ख़ास काम और करना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा शेयर की जाने वाली कोई भी वीडियो आपसे। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट तक हमने हरी मिर्च को ढक करके पकाया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। और अभी हल्का सा इस तरह से मिर्ची को उलट पलट कर फिर से एक बार ढककर 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं और देखिए मिर्च पक भी चुकी है। मैंने चूल्हे के फ्लेम को बिल्कुल भी लो कर दिया है। तो अभी मैं इसमें कुछ मसाले डाल दूँगी। तो 1 चम्मच मैंने डाला है जो मिक्स मसाले मैंने भून करके तैयार किए हैं, इसे भरवा सब्जी के मसाले भी कहते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मैंने भरवा सब्जी के मसाले की रेसिपी अलग से शेयर की हुई है। 1 चम्मच मैंने डाल दिया है सौंफ का पाउडर और 1/2 चम्मच के लगभग नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही 1/2 चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर और मसालों को मिक्स कर लेंगे मिर्च के साथ। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी लगभग 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। और हरी मिर्च की अचार के लिए सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स होता है अमचूर पाउडर। तो 1 चम्मच मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल दूंगी। और हाँ, एक बात और, अगर आप हरी मिर्च के अचार में लाल मिर्च पाउडर को ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो लगभग 2 मिनट तक मैंने मसालों के साथ हरी मिर्च को पकाया है। अगर आप दही का इस्तेमाल हरी मिर्च में नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ लोगों को दही का टेस्ट पसंद नहीं होता है, तो मैं दही की जगह पर यहाँ 1/2 कटोरी लगभग दूध डाल दूँगी। दूध के साथ यह हरी मिर्च बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो अब तक आपने दही के साथ हरी मिर्च बनाया होगा, इस बार दूध के साथ बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए बहुत ही जल्दी मसालों ने दूध को सोख लिया। अब मुझे इसमें थोड़ी सी दूध की और ज़रूरत हो रही है, तो लगभग मैं 1/2 कटोरी दूध इसमें और डाल दूँगी, क्योंकि दूध से मसाले अच्छे से फूल जाते हैं और हरी मिर्ची का स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 1/2 छोटी कटोरी दूध इसमें मैंने और डाल दिया है और धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट तक हरी मिर्च को और भी पकाना है मुझे।
तो हरी मिर्च को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और मसाले भी कितने अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पर लगभग 1 चम्मच मैंने लहसुन को थोड़ा सा दरदरा कूट करके लिया है। यदि आप लहसुन नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं लहसुन को छौंक लगाते समय भी डाल सकती थी, लेकिन मेरी फैमिली को थोड़ा सा लहसुन का क्रंची टेस्ट पसंद है, इसलिए मैं हरी मिर्च में अभी लहसुन को ऐड कर रही हूँ। इस तरह से आप भी ट्राई करिएगा। यह हरी मिर्च का अचार बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी होता है। तो अभी मैं 1 मिनट तक हरी मिर्च को और भी पकाऊंगी। तो 1 मिनट बाद हरी मिर्च की कलौंजी बनकर तैयार है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।